क्या बेहुदा कपड़े हैं। ऐसी लड़कियां ही लड़कों को उकसाती हैं और फिर पेपर में आए दिन केस छपते रहते हैं। टाइम से घर आ जाया करो। जी पापा। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, लंच ऑफिस नहीं कर लूंगा। मम्मा ठीक हो ना? क्या है, कैसी लग रही हो? अच्छा है ना? तुझे पता है ना तेरे पापा को ये सब चीजें पसंद नहीं है। बस एक बार मैं टाइम से घर आ जाऊंगी। टाइम से घर आ जाना। बाय। यार आज के लेक्चर से तो मैं बोरी हो गई। अब सीधा ना घर चलते हैं, मुझे भूख भी लग रही है। अच्छा चल पहले कुछ खा लेते हैं, फिर लाइब्रेरी चले जाएंगे और फिर घर। ओ हाय वर्षा। ओ हाय, कभी हमें भी हाय कर दिया करो। हाय हाय। यार मेरे को तेरे हिस्ट्री के नोट्स चाहिए थे। हिस्ट्री के नोट्स? हाँ। अभी तो फिलहाल मेरे पास होंगे नहीं। एक काम कर, तू कल आके ले जा, कल शाम को। हाँ ठीक है, मैं तेरे घर से ले लूंगा। ठीक। वैसे आज कुछ डिफरेंट सी लग रही है। हाँ, हाँ, आज मैडम ने वेस्टर्न जो पहना है। लुकिंग नाइस। थैंक्स। चल बाय बाय बाय। यार तू इस ड्रेस में अच्छी लग रही है, तू वेस्टर्न ही पहना कर। यार मेरा मन तो बहुत करता है लेकिन पापा कहते हैं ऐसे कपड़े लड़कों को उकसाते हैं जिससे वो छेड़ते हैं, इसलिए मैं। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ यार ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें छेड़ना होता है वो सूट में भी छेड़ते हैं। यार देख ये सब ना कपड़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सामने वाले की नजरों के ऊपर डिपेंड करता है, समझी। चल अब घर चलते हैं। नहीं यार लाइब्रेरी जाना है। तेरी वजह से हमेशा लेट होता है, एंड टाइम पे तुझे सारी चीजें याद आती है। बुक भी आज ही इशू करवानी थी मैडम को। ओ, आज मैम का न्यू लुक है तो कितना भाव खा रही है, और कहीं लेट नहीं हो रहे, घर पहुंच जाएंगे। हाँ यार अभी टाइम में क्या हुआ है, तुझे भी ना हमेशा भागने की लगी रहती है। यार पीछे देख कोई सीटी मार रहा है। इग्नोर मार यार। यार ये तो हद ही हो गई। रुक इसको तो मैं बताती हूँ। अभी क्या है, बदतमीज कहीं के? तमीज नहीं है क्या? पापा,